हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे मेरी बेटी का कुछ फ़ोटो अपने दोस्तों के साथ स्कूल में है, परेड में भाग ली थी। तो चलिए अभी जाते हैं खड़गपुर का सिरसा स्टेडियम। तो हम लोग आए हैं अभी खड़गपुर का सिरसा स्टेडियम। यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी परेड होने वाला है। बहुत सारे यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट भी भाग लेते हैं। तो अभी देखिए फ्लैग होस्टिंग स्टार्ट हो गया है, आप लोग सुन सकते हैं नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है जिनको बुलाया गया है, तो वो सारे जो जितने भी परेड में हिस्सा लिए हैं पुलिस और बच्चे लोग, मतलब स्टूडेंट लोग, उन लोग को देखेंगे उनका। उसके बाद परेड स्टार्ट होगा। तो हर साल हम लोग आते हैं, इस साल भी आए हैं। और आज ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धूप है और गैलरी आप लोग को दिखाऊंगी, रुकिए, बहुत ही भीड़ है। तो ये देखिए ये गाड़ी कुछ तरह से सुंदर से सजाया गया है। इसमें चीफ गेस्ट खड़े होके सारे जो परेड वाले स्टूडेंट है और पुलिस सबको देखेंगे। तो देखिए शुरू हो गया है। और ये बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, सिरसा स्टेडियम खड़गपुर का। आप लोगों को पता है यहाँ पे जो महेंद्र सिंह का जो क्या बोलते हैं उसको, सुशांत सिंह राजपूत, जिसने महेंद्र सिंह धोनी का जो किरदार निभाए थे, उसका जो क्या शूटिंग हुआ था यहाँ पे फुटबॉल मतलब क्रिकेट मैच स्टेडियम में ही, उस टाइम भी बहुत सारे लोग आए थे उनको देखने के लिए, सुशांत सिंह राजपूत को, जो धोनी का लव स्टोरी या किसके बारे में जो मूवी बनाए थे, तो इसी स्टेडियम में ही। तो बहुत बड़ा सा स्टेडियम है, तो उतना बड़ा मैं आज नहीं घूमेंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए सारे स्टूडेंट भी आए हैं आसपास से। और ये परेड ख़त्म होने के बाद कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे होता है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग आज इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाएं, किस तरह से मनाएं। और एक्चुअली क्यों आया था ना फ्रेंड्स, बेटी का स्कूल में जाने वाली थी उनका परेड देखने, तो लेट हो गया, पहुँचते पहुँचते 8 बज गया तो उनका ख़त्म हो गया, तो बेटी का नहीं देख पाई। जो भी हो बेटी दोनों को लेके आई हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। तो ये देखिए अभी परेड स्टार्ट होने वाला है। और देखिए गैलरी में कितना ज़्यादा भीड़ है। उस साइड में कोई बैठा नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है, इसलिए कोई भी नहीं है उस साइड में। आप लोगों को अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आइएगा खड़गपुर का सिरसा स्टेडियम में इंडिपेंडेंस डे के दिन, और नहीं तो जनवरी 26 में। तो ये देखिए परेड स्टार्ट हो गया है। आज का दिन सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उड़ीसा में, तब मैं भी एनसीसी में थी, एनसीसी का स्टूडेंट हूँ। और मैं भी इस तरह से 15 अगस्त और जनवरी 26 में इस तरह से परेड में हिस्सा लेती थी। बहुत ही अच्छा लगता था, जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत ही गर्व महसूस होता है। जिन लोग एनसीसी में है या रह चुके हैं उन लोग प्लीज़ बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं और इस तरह से जब जिस दिन मतलब 15 अगस्त आता है, मतलब इतना अच्छा लगता है। हम लोग हर साल एक ना एक ट्रॉफी जीत के आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है परेड में साथ में। और जब ड्रम बजता है फ्रेंड्स, बहुत बहुत खुशी लगता है। तो देखिए यहाँ पे इन लोग का परेड अभी लगभग लास्ट होने वाला है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यूनिफॉर्म में सारे पुलिस। और ये देखिए गैलरी का भीड़ बहुत ज़्यादा है और बच्चे लोग अपने जो कल्चरल प्रोग्राम करने वाले हैं वो सब पहुँच गए हैं। ये देखिए गैलरी ऊपर नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा शेड टाइप का बना हुआ है इसलिए यहाँ पे सारे बच्चे हैं। और देखिए यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं, यहाँ पे आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस जो है, उन लोग अपने जो डॉगी है उन लोग का सब लेके आए हैं। उन लोग का क्या क्या करवाएंगे देखिए आप लोग भी, उन लोग को कैसे ट्रेनिंग दिया गया है वो सारे दर्शक को दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग उन लोग को दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग को, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा दूर में है। देखिए
तो ये इन लोग का जो ट्रेनर है डॉगी लोग का, और जैसे बोल रहे हैं उन लोग वैसे ही कर रहे हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे बारी बारी से स्टूडेंट खड़े हो गए हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम दिखाने के लिए। देखिए लाइन में साइड में खड़े हो रहे हैं झंडा सब लेके। तो यहाँ पे देखिए कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। आप लोग एंजॉय कीजिए। आई होप इसका वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोग आज के प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। इंडिया आजाद हो गया, हम भी खुद के इन बॉर्डर से एक बार फ्री होके देखें।